जो है वो कमरा जो है लग रहे और बार मतलब थोड़ी थोड़ी देर में एक बात पंडित जी का मुंह तो अपना आप निकल जा कि जो भगवान के नाम पे एक देता है उसे भगवान दस गुना देता है। और यह बात सही भी से लोगों ने दान दिया। एक बुढ़िया बैठी, पहले वो चांदी वाले सिक्के आया करते थे, एक सिक्का निफे मलेरी कई बार सोचा कदे एक दे दे भी चलिया जा। पंडित जी दो चार बात भागवत की बतावर फिर भाई लाइन कह देगी, जो भगवान के नाम पे एक देता है भगवान उसे दस गुना देता है। बुढ़िया तो नहीं डटिया गया, वो चांदी वाला सिक्का उसने दिया ही। घर ने आगे एक दिन काटे दो दिन काटे क्या ना दस मिलने थे। बुढ़िया ने मारा माथा मात के, एक चांदी का सिक्का था, बोड़ियार बेटा रोटी दे दिया करते थे उसके लालच में, वो भी खोया ही। भाई बहुत जुलम करे पंडित जी तो। बुढ़िया का चिंता चिंता में दस्त लागे मरोड़े लागे। बुढ़िया ठावा लोटा बाहर जाना, पहले को लेटरिन बाथरूम घर न होया करते थे, इबादत होया करती थी, लोटा लेके जा रही नू लीकड़ा मारन लाग रही धरती मर। भगवान के करने से वे वो लीकड़ा एक सख्त चीज से टकराया। बुढ़िया ने हाथ मारी थी थैली और थैली में पूरे चांदी के दस सिक्के। बुढ़िया ने भगवान का जयकारा और खुशी के मारे सारी बीमारी दूर होगी। बुढ़िया कूदती घर ना आगे, भगवान का करना ऐसा होया कि चार छह महीना बाद में वो पंडित जी पड़ोस के गांव में भागवत करने आ गया। और फिर उसकी वाई लाइन दो चार अध्याय भागवत के पढ़े, फिर वाई बात कहे किन्हीं लोग जो भगवान के नाम पर एक देता है भगवान उसे दस गुना देता है। बुढ़िया ने दो चार बार तो सुनी, फिर खड़ी हो क्या आखिर बेटा एक बात मैं भी कह दूं। ले हाँ कहे, ले बेटा तू बिल्कुल ठीक कैसे कि जो भगवान के नाम पे धर्म के नाम पे देता है उसे भगवान दस गुना देता है, ये बात तेरी सही है। पर बेटा नु बता नू बीच वाला वो दो दिन का मरोड़ा कौन उठेगा ताइएगा। भरतवीर जी से निवेदन करूंगा कि एक रागनी लेकर के वो भी हमारे बीच आए, जोरदार जयकारा लगाए, बोल सत्य दरबार की जय हो।